नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में अपराध जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जितना पुलिस सख्त रवैया अपनाती है उतने ही अपराधी क्रूर होते जा रहे हैं। सत्यता तो यह है कि पुलिस की सख्ती का अपराधियों पर कोई शिकंजा कसते नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसी ही भयावह वारदात के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से संबंधित है। मामला बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगने का है। रंगदारी न मिलने पर बदमाश इतने आक्रोशित हो गए कि उन्हें यह तक ख्याल नहीं आया कि ऐसा करने के बाद उनका हश्र क्या होगा। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह हाथों में अवैध तमंचा लेकर सार्वजनिक स्थान पर फायर झोंके जा रहे हैं। सामने वाला जान बचाने की फिराक में अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान से निकलते नजर आ रहा है, लेकिन जब रंगदारों को इतने से भी मन न भरा तो तलवारों से व्यापारी पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। यह वारदात तब घटित हो रही थी जब सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी और सभी मूक दर्शक बनकर जैसे फिल्म की शूटिंग देख रहे हों। आपस में तलवारें और गोली चलने से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर दो आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है और तीसरा पुलिस संरक्षा में भी इलाजरत है। घटना के संदर्भ में संबंधित द्वारा दी गई बाइट। जो दिनांक 11 तारीख को एटा नगर में फायरिंग की घटना का है, जिसके संबंध में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है और एक अभियुक्त चोटों के कारण इलाजरत है, जिसको शीघ्र न्यायिक अभियक्षा में जेल भेज दिया।